मैं उनको मशवरा दूंगा और बड़ी जिम्मेदारी से मशवरा दूंगा कि उनको चाहिए कि वो अपने आबाई एरिया के अंदर बिल्कुल घर ना बनाए। अदरवाइज मैंने देखा है कि लोग सारी जिंदगी सऊदी अरब में गुजार के तो छोटे से एरिया में आके दूध दही की दुकान डाल लेते हैं, और उन्हें समझा नहीं, एयरपोर्ट्स पे फिरते रहे और कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते रहे, लेकिन सोच विचार का उन्होंने मजारा नहीं। अगर पूरी जिंदगी बाहर गुजार के फिर आप उस आबाई इलाके में चले गए, आबाई इलाकों में प्रॉब्लम नहीं है, आबाई इलाकों में मसला यह है कि वहाँ पे फैसिलिटीज नहीं है। पाकिस्तान के अंदर क्या चीज प्रोड्यूस करें जो हम दुनिया को भेज सकें और ज़रे मुबादला कमा सकें, अपने लोगों को शऊर दें। सबसे बड़ी नेमत शऊर है, ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज़ शऊर है। ईमान पहले है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। इंसानों से डरे, किसी अदारे से डरे कोई इंसान तो वो बेसिकली शिर्क कर रहा है। अल्लाह की ज़ात है, उससे डरना चाहिए। बेइंसाफी होती है क्योंकि उनको उनको अपने बुनियादी हकूक का नहीं पता होता कि हमारे हकूक क्या है। उसको कहना चाहिए कि मेरा हक है, मेरा इंसाफ मुझे मिलना चाहिए, आपको मेरे टैक्स के पैसे पे बिठाया हुआ है। सर बहुत सारे लोग हैं जो ओवरसीज हैं और वो अपना घर बनाते हैं अपने गांव में या जो भी जिस एरिया से रूरल एरिया से वो बिलोंग करते हैं वहाँ पे वो उनकी कोशिश होती है वहाँ पे वो घर बने। उनको घर वहाँ पे बनाना चाहिए, वहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर उनको शहर में बनाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ओवरसीज पाकिस्तानी ना ज़्यादातर लोग जो हैं वो तो जाते हैं मिडल ईस्ट में, और कम लोग वेस्ट वगैरह में जा पाते हैं, वहाँ जाना मुश्किल है। और फिर वो जो मिडल ईस्ट में जाते हैं वो कोई बहुत वाइट कलर या हाई एंड अच्छी जॉब नहीं होती, मोस्टली लोगों के पास एक लेबरिंग जॉब होती है या इस तरह से होती है। लेकिन वो लोग फिर भी पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो करेंसी डिफरेंस की वजह से उनके पास दो पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और उनका फिर मुस्तकबिल होता है। मैं उनको मशवरा दूंगा और बड़ी ज़िम्मेदारी से मशवरा दूंगा कि उनको चाहिए कि वो अपने आबाई एरिया के अंदर बिल्कुल घर ना बनाए। बिल्कुल देखें, आप क्योंकि ओवरसीज हो गए, लोग लोकल रह गए, अब आपकी और उनकी सोच में बहुत फ़र्क हो जाता है, ठीक है ना। तो लिहाजा जब आपकी सोच ही बदल गई तो आप उन लोगों के साथ ना रहे तो बेहतर है। अदरवाइज़ मैंने देखा है कि लोग सारी ज़िंदगी सऊदी अरब में गुजार के तो छोटे से एरिया में आके दूध दही की दुकान डाल लेते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने बेचारों ने वहाँ कोई मजदूरी की और उन्हें समझा नहीं, एयरपोर्ट्स पे फिरते रहे और कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करते रहे, लेकिन सोच विचार का उन्होंने मजारा नहीं किया, या उन्होंने प्रॉपर्टी विजन टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, घंटी का बटन प्रेस नहीं किया, वरना हमने कोई 4000 से ऊपर वीडियो बना दिए और वो बहुत सारे ऐसे मौजूद के ऊपर बना दिए। देखिए, आपकी ज़िंदगी जो है ना वो गुजर गई, वो आपकी बचपन गाँव में गुजर गया, अगले 20 साल आपके सऊदी अरब में गुजर गए, लेकिन आपके बच्चों को आप अच्छी जगह पे ठहराएं, अच्छी जगह रहाइश दें, अच्छा मुस्तकबिल उनका दें। आप कहीं नहीं रह गए क्योंकि आप प्रदेश में चले गए थे 20 साल, अब जो आपका आबाई इलाका था वो अब उसके साथ आप मैच नहीं कर सकेंगे। अगर पूरी ज़िंदगी बाहर गुजार के फिर आप उस आबाई इलाके में चले गए, आबाई इलाकों में प्रॉब्लम नहीं है, आबाई इलाकों में मसला ये है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है। वहाँ पर ये नवाज शरीफ जैसे लीडर हैं कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, देना तो अक्ल व शऊर था, वो शऊर नहीं आया वहाँ। वो खैर इमरान खान लाया है, गुजरांवाला, आधा गुजरांवाला जो है वो इमरान खान को मानने शुरू हो गया है। अब जाके गुजरांवाला डिवीज़न, शेखुपुरा, फैसलाबाद, बाकियों को थोड़ा शऊर आ रहा है। ये बहुत अच्छा साइन है कि उन लोगों को पता लगा कि नहीं, ये नालियां गलियां पुल ये सीमेंट नहीं चाहिए, हमें इंसान बनना है, हमें शऊर, हमें नस्लें तैयार करनी है, हमने मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क ले के बना के जाना है। गुजरांवाला इंडस्ट्रियल शहर है, उस शहर का तो मुस्तकबिल ही बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन उसको कोई सही लीडरशिप नहीं मिल सकी। जो मिली तो वो लाहौर ही, गुजरांवाले के पैसे से भी लाहौर बनाता रहा। अर्ज करने का मतलब ये है कि उनके बच्चों को एजुकेशन चाहिए, तरबियत चाहिए, उनको शऊर चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, उनको वो शहरी बनाना है कि जो बेसिकली पाकिस्तान को स्टैंड कर सके, और वो कर सकते हैं उसकी वजह है कि वो इंडस्ट्री को जानते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ प्रोड्यूस करें जो हम दुनिया को भेज सकें और ज़र मुबादला कमा सकें और पाकिस्तान में ज़र मुबादला लेके आ सकें, ये उनके लिए बेस फराहम करना था। वहाँ इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटियाँ चाहिए, वहाँ पे फैसलाबाद में टेक्सटाइल यूनिवर्सिटियाँ चाहिए, ठीक है ना, सियालकोट में इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ चाहिए। तो वो जो दे रहे थे लैपटॉप ले लो जी, पीली टैक्सी ले लो जी, वो जो नहीं चाहिए वो दे रहे थे, वो उससे तो ड्राइवर टैक्सी ड्राइवर बन रहे थे। तो बंदो, आप अपने लोगों को शऊर दें। सबसे बड़ी नेमत शऊर है, ईमान के बाद सबसे बड़ी चीज़ शऊर है। ईमान पहले है
कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ये सबसे बड़ी कीमती चीज़ है। और अगर कोई इंसानों से डरे, किसी अदारे से डरे कोई इंसान, तो वो बेसिकली शिर्क कर रहा है। डरने वाला अल्लाह की ज़ात है, उससे डरना चाहिए, क्योंकि वो मालिक है, वो हाकम है, वो रिज़्क देने वाला, वो इज्जत देने वाला है। कोई अदारा, कोई इंडिविजुअल शख्स ये नहीं, अल्लाह के बराबर खड़ा नहीं हो सकता। खुदा से डरना चाहिए। तो लोग अब खुदा से डरना शुरू हुए हैं, अब उनको शऊर आ रहा है। लिहाजा आप उनको शऊर वाली जगह पे लेके जाएं, बच्चों को उस एनवायरनमेंट में जो आपके अबाउजदाद का था 40 साल पहले, 30 साल पहले, वो नहीं बदला वहाँ से। अनफॉर्चुनेटली जहाँ अनपढ़ लोग होते हैं ना, वहाँ पे गुर्बत होती है। जहाँ अनपढ़ लोग होते हैं वहाँ पे बेइंसाफी होती है, क्योंकि उनको अपने बुनियादी हकूक का नहीं पता होता कि हमारे हकूक क्या हैं, अदालत का क्या काम है, इंसाफ देना। तो आम आदमी को ये नहीं पता होता, वो तो समझता है ये तर्स खाएगा तो ये इंसाफ देगा। उसको कहना चाहिए कि मेरा हक है, मेरा इंसाफ मुझे मिलना चाहिए। आपको मेरे टैक्स के पैसे पे बिठाया हुआ है जज की सीट के ऊपर, तो आप क्यों नहीं इंसाफ कर रहे? तो वो हमारे यहाँ ही नहीं शऊर लोगों के पास। तो अब अल्लाह का शुक्र है वो शऊर आ रहा है। तो लिहाजा आपके पास जब अपॉर्चुनिटी आए घर बनाने की, एक गाँव में भी आज घर बनाए तो 1-1.5 करोड़ रुपया चाहिए, शहर में भी 1-1.5 करोड़ रुपया चाहिए, तो क्यों ना आप शहर में आबाद हों, एक अच्छी ज़िंदगी बच्चों को दें। उनका हक है उनको, क्योंकि हमारा माशरा जो हमारी सोसाइटी या हमारी स्टेट या हुकूमतें नहीं दे पाई उनको, तो गांव में भी वो हकूक मिलने चाहिए थे, वो तलीमी अदारे, वो सारा कुछ मिलना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दे पाई। तो लिहाजा आपको तो मौका अल्लाह ने दिया, तो आप लिहाजा उनको शहरों में अच्छी जगह पर आबाद करें, जहाँ पर उनका एक अच्छा प्रोमिसिंग फ्यूचर हो, यूनिवर्सिटियाँ उनको मौजूद हों, हॉस्पिटल, तलीमी अदारे हैं जी, अपनी सलाहियतों को मनवाने के लिए मुख्तलिफ प्लेटफार्म उनको मौजूद हों, ताकि वो दुनिया के साथ बराबर खड़े हों, ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ। यानी बड़े शहरों में होंगे तो वहाँ पर उनको बुनियादी फैसिलिटीज़ मैसर आएंगी, हैं जी, वहाँ पर उनको तो वो जो चीज़ें उनको रिक्वायर्ड है वो उनको शहरों में मिलेंगी। अगर आप आए और वापस देहात में चले गए, वहाँ जाके बाद हो गए, हालांकि आपका पैसा भी था और आपने वहाँ उसी मुआशरे में रहते हुए फिर आप जो है वो डरपोक हो गए, आपको ना अपने आइन का पता, ना कानून का पता, ना आपको अपनी ड्यूटीज़ का पता, ना आपको हकूक और फ़राइज़ का पता, तो ऐसा शहरी होना पाकिस्तान के लिए बड़ा ख़तरनाक है आज के दौर के अंदर। क्योंकि लुटेरे, गासिब, गुंडे ये लोगों को कमज़ोर बनाते हैं, उनको जाहिल रखते हैं और उनको फिर कमज़ोर बना के डराते हैं और उससे फिर खौफ व हरास फैलाते हैं और उससे फिर ये अपने जजीरे और बड़े बड़े पैसे बनाते हैं, उससे एक स्मगलिंग में पैसा बनाते हैं। तो ये जब आवाम को शऊर आएगा तो फिर वो ज़रूर इन लोगों को इनके आइनी हकूक के अंदर लेके जाएंगे कि भाई ये मुल्क का पैसा है, ये मुल्क के असासे हैं, ये किसी के बाप के तो नहीं है कि वो इसको मिसयूज़ करे। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि घर बनाना, अपनी अगली ज़िंदगी को डिज़ाइन करना, प्लान करना, ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और अगर आपने ये मिस कर दिया तो अगली दो नस्लें भी जो है ना फिर वापस उसी चक्की में पिसते रहेंगी, गुर्बत की, जहालत की, पसमानदगी की, है जी, उसमें पिसते रहेंगे, तो उनका मुस्तकबिल कम्प्रोमाइज़ होगा। प्रॉपर्टी न्यूज़ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।